हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री चैनल। आज हम देखेंगे क्लास ट्वेल्थ का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। इस पार्ट में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट, अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, और क्रिस्टलाइन सॉलिड की क्लासिफिकेशन कि क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने टाइप के होते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम एकदम बेसिक से देखेंगे सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टी, उनका नेचर क्या होता है, सॉलिड स्टेट किस तरह के होते हैं, क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस, क्रिस्टलाइन को क्रिस्टलाइन क्यों कहते हैं, अमॉर्फस अमॉर्फस क्यों होता है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सॉलिड प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जैसे आपका सुपरकंडक्टर हो गया, प्लास्टिक हो गए, सिलिकॉन चिप हो गए, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन में काम आते हैं। इस चीज़ से आपको एक चीज़ पता होगी कि वी आर ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय सॉलिड, मतलब हम सॉलिड से घिरे हुए हैं चारों तरफ से, चाहे वो पेंसिल की निब से लेके फ़ोन की चिप तक हो। और देखिए, कोई भी सॉलिड प्लास्टिक की बॉटल बनाने के काम आ रहा है या फ़ोन की चिप बनाने के काम आ रहा है, वो टोटली डिपेंड करता है कि जो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, मतलब जिनसे वो बना है सॉलिड, उसका नेचर कैसा है और उन पार्टिकल के बीच में बाइंडिंग फोर्स कैसी है, या वो बहुत स्ट्रांगली बाइंड हो रहे हैं एक दूसरे से या बहुत लूजली बाइंड हो रहे हैं, ये चीज़ भी इफ़ेक्ट करती है उस सॉलिड के नेचर को। देखिए, अगर आपको सॉलिड का स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टी की पूरी नॉलेज हो तो यू नेवर नो, आप एक नया सॉलिड मटेरियल बना सकते हैं या फिर एक नया सॉलिड एलिमेंट्स भी बना सकते हैं जो आपकी डिज़ायर प्रॉपर्टी का होगा। सपोज़ आपको एक सुपरकंडक्टर चाहिए या एक मैग्नेटिक पावर वाला सॉलिड चाहिए या बायोडिग्रेडेबल चाहिए या बायोकॉम्प्लिएंट चाहिए, तो आप अपनी डिज़ायर कैरेक्टरिस्टिक्स का कोई भी सॉलिड बना सकते हैं अगर आपको उसके स्ट्रक्चर की और उसकी प्रॉपर्टी की पूरी नॉलेज है। तो अगर आपने आयरन मैन देखी है तो आपको याद होगा आयरन मैन पार्ट 2 में टोनी स्टार्क एक नया एलिमेंट बनाता है अपनी डिज़ायर कैरेक्टरिस्टिक का, जैसे उसे चाहिए होती है टू रिप्लेस पैलेडियम, जो वो उसके कंस्ट्रेंट पार्टिकल को वर्चुअली अरेंज करके बनाता है। तो जार्विस, क्या तुम डिजिटल वायरफ्रेम में ग्राफिक बना सकते हो? मुझे अलग अलग प्रोजेक्शन चाहिए। तुम्हें क्या लगता है, क्या है जार्विस? ये एटम भी हो सकता है, और अगर है तो न्यूक्लियस यहां होना चाहिए। यूनिस्फीयर पर रोशनी डालो, पवेलियन को आधार बनाकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्रम बनाओ। चलो जल्दी करो। प्रस्तावित किया गया तत्व उसी तरह काम करेगा जिस तरह पैलेडियम काम करता है। प्रिज्मैटिक एक्सेलरेटर शुरू कर रहा हूं। मुबारक हो सर, आपने एक नए तत्व की रचना की है। इट्स नॉट फ्रैक्शन, एक्चुअली में आप ऐसा कर सकते हैं। जो फिलहाल में जो रिकॉग्नाइज हुए हैं 2016 में नए एलिमेंट्स जो सॉलिड है एट 20 डिग्री टेम्परेचर के आसपास, तो वो है निहोनियम, मॉस्कोवियम, टेनेसिन, ऑर्गानिसोन। तो ये सारे नए एलिमेंट्स हैं जो 2016 के अराउंड रिकॉग्नाइज हुए थे, बनना काफ़ी पहले स्टार्ट हुए थे, बट पीरियोडिक टेबल में ऑफिशियली रिकॉग्नाइजेशन इन्हें 2016 में मिली। तो इसलिए ये पॉसिबल है कि आप अपने एक डिज़ायर कैरेक्टरिस्टिक का कोई भी नया सॉलिड एलिमेंट बना सकते हैं। सो ये तो रही सम फन फैक्ट। नाउ लेट्स स्टार्ट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जो हम अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं। देखिए, सॉलिड आपको पता है सॉलिड रिजिड होता है, और लिक्विड और गैस फ्लूइड्स होते हैं, उन्हें फ्लूइड्स कहते हैं बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू फ्लो, उनमें फ्लो करने की एबिलिटी होती है। आपने देखा होगा आप वाटर किसी जगह गिरा दे तो वो बह के कहीं और चला जाता है। गैस उसी तरह से, एक जगह आप कोई अगरबत्ती जला दे तो उसकी स्मेल पूरे रूम में फैल जाती है, इसका मतलब कि वो फ्लो कर रहा है। इसलिए लिक्विड और गैस को हम फ्लूइड्स कहते हैं। सॉलिड रिजिड होता है, वो अपने एक पोजीशन में ही रहता है। सपोज आपके पास पेंसिल है, आप उसे एक जगह रख दें तो वो तब तक मूव नहीं करेगी जब तक आप उस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहे, एक्सटर्नल फोर्स, वो खुद से कभी फ्लो नहीं होगी। देखिए, ये जो प्रॉपर्टी है फ्लूइडिटी एंड रिजिडिटी, ये आती है उनके मॉलिक्यूल्स की वजह से। जो लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करने के लिए फ्री होते हैं अपनी पोजीशन से रैंडमली,
वो मूव कर रहे होते हैं, लेकिन जो सॉलिड्स के पार्टिकल होते हैं वो अपनी जगह से मूव नहीं कर रहे होते, वो अपनी जगह पे ही होते हैं, वो सिर्फ ऑक्सीलेट करते हैं अपनी मेन पोजीशन से। और जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी फिक्स पोजीशन है, वो अपने प्लेस में, जिसके वजह से सॉलिड में रिजिडिटी और गैस और लिक्विड में फ्लूइडिटी होती है। तो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड स्टेट। आपको पता होगा मैटर तीन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जो डिपेंड करता है एक फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर पे। सपोज आपके पास आइस है 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे, तब तक वो आइस रहेगी, आपके लिए वो सॉलिड है। लेकिन जैसे आप 50 डिग्री सेल्सियस के करीब उसे देखते हैं या 50 से ज़्यादा के करीब देखते हैं, तो वो आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। अगर उसी सॉलिड या उसी लिक्विड को आप 100 डिग्री से अबव देखते हैं तो आपको वो गैस के फॉर्म में मिलेगा। तो इट्स टोटली डिपेंड कि आपका टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन क्या है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर या प्रेशर में जो स्टेट स्टेबल होती है वही एग्जिस्ट करती है। तो ये आपके एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर। अब जो इंटरनल फैक्टर है वो दो होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और थर्मल एनर्जी, जो एक दूसरे के अपोजिंग फैक्टर हैं। सो पर्टिकुलर टाइम में आपका कौन सा स्टेट एग्जिस्ट करेगा वो डिपेंड करता है आपके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे और थर्मल एनर्जी पे। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो ट्राई करता है कि जो भी मॉलिक्यूल है, एटम है या आयंस हैं आपके सॉलिड में, उनको आपस में क्लोज ला सके। और वहीं पे थर्मल एनर्जी ट्राई करती है कि उन मॉलिक्यूल्स को दूर कर सके बाय मेकिंग देम मूव फास्टर। आप उन्हें टेम्परेचर दे रही, टेम्परेचर की वजह से थर्मल एनर्जी बढ़ रही है, जिससे उस मॉलिक्यूल्स जो उस सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल है उनकी एनर्जी बढ़ रही है, और एनर्जी के बढ़ने की वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, जिसके वजह से वो मूव कर रहे हैं। ओके, और मूवमेंट की वजह से वो आपस में पास आने की जगह दूर जा रहे हैं। देखिए, अब जब ये दोनों फोर्स एक साथ लगते हैं तो जो डोमिनेंट होता है उसी के अकॉर्डिंग आपके मैटर का स्टेट डिसाइड होता है। सपोज अगर आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा है आपकी थर्मल एनर्जी से, या फिर आपका टेम्परेचर बहुत कम है, तो उस केस में सॉलिड स्टेट एग्जिस्ट करता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा है मतलब आपके मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत क्लोज हैं, और सॉलिड की प्रॉपर्टी में आपने देखा है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड की वो आपस में बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी देखते हैं सॉलिड स्टेट की। देखिए, फर्स्ट है दे हैव डेफिनेट मास, वॉल्यूम एंड शेप। देखिए, जैसे जो सॉलिड होते हैं उनका डेफिनेट मास होता है, वॉल्यूम होता है और शेप होता है। उनका मास, वॉल्यूम, शेप चेंज नहीं होता। सपोज आपने सॉलिड को किसी जार में डाला और फिर किसी और यूटेंसिल में डाला, बट उसका शेप नहीं चेंज होगा। लेकिन सपोज अगर यही काम आप अगर लिक्विड के साथ करें, तो आपने ये नोटिस किया होगा कि लिक्विड जिस कंटेनर में डाले उस कंटेनर का शेप ले लेता है। मतलब लिक्विड की डेफिनेट शेप नहीं है, वॉल्यूम लिक्विड की डेफिनेट होती है बट शेप डेफिनेट नहीं होता। नेक्स्ट हम देखेंगे कि गैस में क्या होता है। अगर आप सपोज आपने एक बलून में गैस भरा है, तो जो आपका गैस की वॉल्यूम है वो वॉल्यूम उसी बलून के अकॉर्डिंग होगी, लेकिन अगर वो बलून फूट जाए तो वो गैस पूरे रूम में स्प्रेड हो जाएगी। अब जो गैस की वॉल्यूम है वो पूरे रूम की वॉल्यूम है। जैसे आपको पता होगा गैस और लिक्विड में ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती, बट सॉलिड में डेफिनेट मास, वॉल्यूम और शेप तीनों होता है। नेक्स्ट है इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस आर शॉर्ट्स। आप डायग्राम से देख रहे होंगे कि जो मॉलिक्यूल की डिस्टेंस है आपस में वो सॉलिड में बहुत ज़्यादा कम होती है, लिक्विड में थोड़ी होती है और गैस में काफ़ी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर स्ट्रॉन्ग। देखिए, ये चीज़ भी आप फर्स्ट वाले से इंटरप्रेट कर सकते हैं। जब इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत कम है, इसका मतलब कि उनके बीच में जो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसके वजह से दो मॉलिक्यूल आपस में बहुत स्ट्रॉन्गली बाइंड है। नेक्स्ट है कंस्ट्रेंट पार्टिकल है फिक्स पोजीशन ओनली ऑक्सीलेट। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो कंस्ट्रेंट पार्टिकल होते हैं उनकी एक फिक्स पोजीशन होती है, वो लिक्विड और गैस की तरह इजीली मूव नहीं कर सकते, बट वो ऑक्सीलेट करते अपनी मेन पोजिशन से। फिफ्थ है दे आर इनकॉम्प्रेसिबल एंड रिजिड, मतलब आप उन्हें प्रेस नहीं कर सकते। सपोज आपने बलून में गैस भरा है और आपके पास कोई भी एक सॉलिड मटेरियल है और आपके पास कोई लिक्विड है, तो आप ये चीज़ देख सकते हैं कि आप बलून को प्रेस कर सकते हैं क्योंकि उसमें एयर है। ओके, गैस है, लिक्विड भी आप कुछ हद तक प्रेस कर सकते हैं, लेकिन
आप सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते, आप उसके साइड्स को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो रिजिड होता है। और रिजिड क्यों होता है ये हम पहले देख चुके हैं। देखिए नेक्स्ट देखते हैं अमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखिए अब सॉलिड फर्दर डिवाइड होते हैं दो टाइप में, अमोर्फस और क्रिस्टलाइन। अब देखिए आपका सॉलिड अमोर्फस होगा या क्रिस्टलाइन, ये टोटली डिपेंड करता है अरेंजमेंट में, जो भी आपके कंस्ट्रेंट पार्टिकल है वो किस तरह से अरेंज है। देखिए जो अमोर्फस है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब नो फॉर्म भी होता है, मतलब किसी फॉर्म में नहीं है। ओके, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होती है वो फॉर अ लॉन्ग रेंज ऑर्डर में होती है, मतलब काफ़ी लंबे रेंज में वो एक ऑर्डर में, उसके जो कंस्ट्रेंट पार्टिकल होते हैं वो ऑर्डर में होते हैं। और देखिए कंस्ट्रेंट पार्टिकल आपके एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ये हम आगे देखेंगे। अब देखिए अगर इसका सिंपल आपको एग्जांपल चाहिए, सपोज आपकी मॉर्निंग असेंबली हो रही है तो उसमें क्या हर क्लास एक लाइन से लगती है अकॉर्डिंग टू जो आपका रूल होता है उस अरेंजमेंट में होती है, तो उस अरेंजमेंट को हम क्रिस्टलाइन कह सकते हैं। और जब आप एडिबल होता है तो उसको हम अमोर्फस कह सकते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं होता, आप रैंडमली बच्चे किसी भी तरह से पांच ग्रुप छह ग्रुप पांच ग्रुप में किसी भी तरह से अरेंज होते हैं, तो बहुत शॉर्ट रेंज में ग्रुप बना के रहते हैं, ठीक है, बट वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं होता, जबकि आपकी मॉर्निंग असेंबली एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर है। ओके, देखिए अब क्या है कि जो अमोर्फस है उसका एग्जाम्पल होता है ग्लास, रबर, प्लास्टिक, और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो होता है सोडियम क्लोराइड और क्वार्ट्ज। अब देखिए जो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो बना होता है बहुत छोटे छोटे क्रिस्टल से। अब इन क्रिस्टल की भी एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होती है, ठीक है, और ये स्मॉल जो क्रिस्टल होते हैं ये बने होते हैं आपके आयन एटम या मॉलिक्यूल से। सिंपली आयन एटम मॉलिक्यूल मिलके बनाते हैं एक छोटे छोटे क्रिस्टल, और ये क्रिस्टल आपस में एक ऑर्डर्ड वे में अरेंज होके बनाते हैं आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखिए अगर अब हम एक बहुत नोन एग्जाम्पल ले क्रिस्टलाइन और अमोर्फस सॉलिड का, तो वो है SiO2। देखिए इनकी जो भी आपके एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं ये तो सेम है, सिलिकॉन और ऑक्सीजन, बट जो इनका अरेंजमेंट है वो इन दोनों सॉलिड को बिल्कुल अलग करता है। जैसे जो क्वार्ट्ज है वो क्रिस्टलाइन है, ठीक है, SiO2, उसका अरेंजमेंट आप देख रहे होंगे एक प्रॉपर ऑर्डर में है, सारे मॉलिक्यूल एक प्रॉपर ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, बट वहीं पर जो अमोर्फस है जो ग्लास वाला है SiO2 वो अमोर्फस सॉलिड है, क्योंकि एक पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं, एक शॉर्ट रेंज ऑर्डर तो दिख रहा होगा आपको एक सर्कल सा, लेकिन एक लॉन्ग रेंज में वही ऑर्डर वो फॉलो नहीं कर रहे। तो देखिए इनकी जो अरेंजमेंट के जो कंस्ट्रेंट पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है उनकी डिफरेंस के वजह से ये बिल्कुल इनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाती है। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, नीचे जो रेड बटन है और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहें जब भी हम वीडियो अपलोड करें, क्योंकि अब हम एक रेगुलर सीरीज डाल रहे हैं वीडियो की, जो क्लास 11, 12 के केमिस्ट्री को इसी तरह से हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप वीडियो आपको पसंद आती है लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप देखते हैं तो आपसे मिस हो जाती है, आपको फिर वो चैनल नहीं मिलता, तो आपसे कोई चीज़ मिस आउट ना हो इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, और भी तरीके से अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो लास्ट तक देखें। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड अमोर्फस सॉलिड के बीच में डिफरेंस और प्रॉपर्टी हम एक साथ देख लेते हैं। देखिए जो पहला है क्रिस्टलाइन सॉलिड, उसकी एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होती है, जबकि जो अमोर्फस सॉलिड होता है वो इररेगुलर शेप का होता है, ये हम आगे देख चुके SiO2 के एग्जाम्पल से। नेक्स्ट है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, जबकि जो अमोर्फस सॉलिड होता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है। मेल्टिंग पॉइंट सिंपली होता है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन, ठीक है, आपका सॉलिड मेल्ट होके लिक्विड बन रहा है। देखिए अब जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है सपोज NaCl वाटर, इसकी वैल्यू NaCl की होती है 801, वाटर की होती है 0°C, तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनकी फिक्स वैल्यू है, अगर आपको मेल्टिंग पॉइंट जानना है किसी का तो आपको एक फिक्स वैल्यू मिलेगी, बट जबकि जो अमोर्फस होते हैं उनका एक ओवर अ रेंज, मतलब एक रेंज में, जैसे आप कह सकते हैं 0 से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में किसी भी, सपोज कर लीजिए अमोर्फस सॉलिड उसकी मेल्टिंग पॉइंट है, तो एक
फिक्स वैल्यू नहीं होती, आपके पास एक फिक्स नंबर नहीं होता, उस पूरे रेंज में वो धीरे धीरे मेल्ट होता है। जैसे कि आपका प्लास्टिक हो गया, वो आपका अमॉर्फस सॉलिड है, तो आप एक फिक्स पॉइंट पे नहीं बोल सकते कि ये इस पॉइंट पे ये सॉलिड लिक्विड हो जाएगा। एक लॉन्ग रेंज होता है टेम्परेचर का, जिसपे वो धीरे 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 कन्वर्ट होता है, जिसकी वजह से आप जो अमॉर्फस सॉलिड है उनको मोल्ड कर सकते हैं और ग्लो कर सकते हैं वेरियस शेप में, जैसे कि आप प्लास्टिक को करते हैं। नेक्स्ट है जो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो एक ट्रू सॉलिड है, जबकि जो अमॉर्फस सॉलिड है उसे हम सूडो सॉलिड या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। सूडो मतलब आपको पता है फॉल्स, ठीक है। अब हम इसे फॉल्स सॉलिड क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए जो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं उनमें प्रॉपर्टी होती है हल्का सा फ्लो होने की। जो बहुत पुराने बिल्डिंग्स के अगर आप उनकी विंडो में देखें या डोर्स में देखें जो ग्लासेस लगे होते हैं, तो उसका जो बॉटम होता है वो स्लाइटली थिकर होता है उसके टॉप से। वो इसलिए होता है कि जो दिन भर धूप पड़ती है या जो आपकी हीट की वजह से जो ग्लास धीरे धीरे फ्लो करने लगता है, और जिसकी वजह से उसका बॉटम पोर्शन थोड़ा सा मोटा हो जाता है। तो ये दिखाता है कि ये सूडो सॉलिड है, ट्रू सॉलिड नहीं है। देखिए जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है क्रिस्टलाइन एनाइसोट्रॉपिक होते हैं और जो अमॉर्फस होते हैं वो आइसोट्रॉपिक होते हैं। एनाइसोट्रॉपिक, देखिए जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है आपकी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस या रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, वो एनाइसोट्रॉपिक वाले केस में डिफरेंट होती है डिफरेंट डायरेक्शन में, जबकि जो आइसोट्रॉपिक केस में क्या होती है ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, आप चाहे कोई भी अलग डायरेक्शन से मेजर करें। देखिए हम एनाइसोट्रॉपिक का केस ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है एक क्रिस्टलाइन फिक्स पोजिशन में रेगुलर ऑर्डर में है, ठीक है। अब देखिए आप सपोज ए और बी वाले साइड से अगर आप इसे मेजर करें तो आपको दिख रहा होगा कि सपोज हम मान लें ये जो लाइट ब्लू एटम्स हैं वो मान लीजिए वो कोई और एटम है और जो डार्क ब्लू है वो कोई और एटम है, ठीक है। ये दो अलग टाइप के एटम्स हैं, आयन से या फिर मॉलिक्यूल्स हैं। सपोज अगर आप ए बी वाले डायरेक्शन से मेजर कर रहे हैं कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी, सपोज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मेजर कर रहे हैं, तो इस केस में जो लाइट जा रही है वो इंटरेक्ट होगी सिर्फ डार्क ब्लू वाले टाइप एटम से, ओके। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू आएगी वो आएगी। बट अगर आप सी और डी वाले डायरेक्शन से लाइट को ट्रेवल करवा रहे हैं, तो इस केस में अगर आप देखेंगे तो अल्टरनेटिव है डार्क ब्लू लाइट ब्लू डार्क ब्लू लाइट ब्लू। इस केस में इन एटम के वजह से जो प्रॉपर्टी आएगी वो डिफरेंट आई, तो इसलिए क्या जो क्रिस्टलाइन होते हैं वो एनाइसोट्रॉपिक होते हैं, क्योंकि अगर आप डिफरेंट डायरेक्शन से मेजर कर रहे हैं तो जो वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी। और जो अमॉर्फस होते हैं उनमें कोई ऑर्डर नहीं होता, मॉलिक्यूल रेंडमली अरेंज हो, तो उस केस में क्या होता है कि आप किसी भी डायरेक्शन से मेजर करें वैल्यू सेम ही आती है। नेक्स्ट हम ऑर्डर इन अरेंजमेंट ऑफ कंस्ट्रेंट पार्टिकल देखें कि कंस्ट्रेंट पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है उसका ऑर्डर क्या होता है, ये हम पहले देख चुके। क्रिस्टलाइन में लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, मतलब काफी लॉन्ग रेंज तक वो ऑर्डर फॉलो करते हैं, जबकि जो अमॉर्फस में जो कंस्ट्रेंट पार्टिकल होते हैं वो शॉर्ट रेंज में ऑर्डर फॉलो करते हैं। देखिए नेक्स्ट हम देखेंगे क्लीवेज प्रॉपर्टी। देखिए अगर आप किसी बहुत शार्प टूल से, अगर आप किसी नाइफ से क्रिस्टलाइन सॉलिड को काटते हैं, तो क्या होगा कि जो दो पीसेस कटेंगे उनका जो उनका सरफेस होगा वो बहुत प्लेन और स्मूथ होगा। सपोज जैसे आप पनीर को काटते हैं, तो जो दो पीसेस कटे हैं वो उनका सरफेस आपको देख के लगेगा बहुत प्लेन और स्मूथ है, जबकि अमॉर्फस सॉलिड में अगर आप किसी शार्प ऑब्जेक्ट से जैसे नाइफ से किसी अमॉर्फस सॉलिड को काटते हैं, तो उसका जो सरफेस होता है दो जो कटा हुआ है वो सरफेस बहुत इरेगुलर सरफेस होता है, वो स्मूथ नहीं होता। अब नेक्स्ट देखेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने टाइप के होते हैं। देखिए ये होते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड, नेक्स्ट होता है आपका आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, कोवेलेंट या फिर इसे हम नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं। तो ये चार टाइप के होते हैं। जो मोस्ट ऑफ सॉलिड सब्सटेंस होते हैं वो क्रिस्टलाइन नेचर के ही होते हैं, जैसे कि आपका मेटेलिक एलिमेंट्स हो गए आयरन कॉपर सिल्वर, या नॉन मेटेलिक एलिमेंट में हम देख सकते हैं सल्फर फॉस्फोरस आयोडीन, और कंपाउंड्स में देखें तो सोडियम क्लोराइड जिंक सल्फाइड नेप्थिलीन, ये सारे आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। देखिए अब जो क्रिस्टलाइन सॉलिड की हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो हम इंटरमोलिकुलर फोर्स के बेसिस पे कर रहे हैं जो उनके कंस्ट्रेंट पार्टिकल पे लगती है, ठीक है। तो इन चारों में मॉलिक्यूलर आयनिक मेटेलिक और कोवेलेंट सॉलिड में किस तरह का इंटरमोलिकुलर फोर्स लगता है उस अकॉर्डिंग हमने इन्हें चार पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है उनके जो कंस्ट्रेंट पार्टिकल होते हैं वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ये फर्दर डिवाइड है तीन पार्ट में। पहला है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, और तीसरा है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड।
तो देखिए नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में तो आपको नाम से ही लग रहा है कि जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं वो नॉन पोलर हैं। या तो ये आपके एटम से बने होते हैं जैसे आर्गन, हीलियम, या फिर उन मॉलिक्यूल से बने होते हैं जो नॉन पोलर होते हैं जैसे H2, Cl2, I2, ये नॉन पोलर हैं। इनके बीच में प्लस माइनस जैसा कोई पोल डेवलप नहीं हो रहा। तो जो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं इनमें बहुत वीक डिस्पर्शन फोर्स लगता है, जैसे H और H में बहुत वीक डिस्पर्शन फोर्स है, इसे हम लंदन फोर्स भी कहते हैं, जिसके बारे में आपने 11 क्लास में पढ़ा होगा। ये जो सॉलिड होते हैं ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। देखिए जितना वीक फोर्स लगेगा किसी एटम से मॉलिक्यूल के बीच में या इन कंस्ट्रेंट पार्टिकल के बीच में, उतना वो पार्टिकल या उतना वो मैटर सॉफ्ट होता है, और इसलिए जो ये वाले सॉलिड होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। प्लस ये नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है क्योंकि इनमें पोलैरिटी बिल्कुल नहीं है, और इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो भी बहुत लो होती है, और ये यूजुअली लिक्विड और गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं रूम टेम्परेचर में। नेक्स्ट है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, मतलब जो ये मॉलिक्यूल्स होंगे इनमें पोलैरिटी होगी। जैसे आपका HCl है, H आपका पॉजिटिव होता है, Cl आपका नेगेटिव होता है, SO2 है, S आपका पॉजिटिव होगा और बाकी दो आपके नेगेटिव होंगे। क्या हो रहा है, इनमें पोल जनरेट होता है, इसलिए इन्हें पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड बोलते हैं। देखिए जो मॉलिक्यूल्स हैं ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड से बने हुए हैं, और जो इनके बीच में फोर्स ऑपरेट हो रहा है रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग है जो फर्स्ट वाला हमने नॉन पोलर मॉलिक्यूल देखा था उनसे, जो होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। मतलब देखिए H में प्लस, Cl में नेगेटिव, तो जो पोल जनरेट हो रहे हैं इनके वजह से जो इनमें इंट्रैक्शन हो रही है वो डाइपोल डाइपोल हो रही है। ये सॉलिड भी सॉफ्ट होते हैं और नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इनकी मेल्टिंग पॉइंट हायर होती है फर्स्ट वालों से, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है उनसे, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे ये कंपाउंड्स हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड जो गैस और लिक्विड में एग्जिस्ट करते हैं रूम टेम्परेचर में। जैसे आपका SO2 हो गया और NH3 हो गया, ये रूम टेम्परेचर में लिक्विड में सॉलिड में रहते हैं। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल। इसमें आपको साफ पता चल रहा होगा कि जो भी मॉलिक्यूल है उसमें कहीं ना कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। इन मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या होता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन और आपका फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में। जिसे हम फोन कहते हैं, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो सिर्फ फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ ही होती है। तो H और FON के बीच में जो बॉन्ड वो होता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे आपका H2O हो गया, जैसे हम अगर सॉलिड स्टेट में देखें तो आइस होता है। देखिए ये नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, सॉफ्ट सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर में। देखिए नेक्स्ट जो है वो है आयनिक सॉलिड। आपको नाम से पता चल गया होगा इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस होते हैं। ये सॉलिड्स जो होते हैं वो जनरली थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट, जो कैटायन और एनायन आपके आयंस हैं, कैटायन आपका पॉजिटिव होता है, एनायन आपका नेगेटिव होता है, इन दोनों आयंस के थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट से ये सॉलिड बने हुए होते हैं, और इनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग कूलम्बिक फोर्स होता है जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं। देखिए ये फोर्स सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, और ये जिसके वजह से ये सॉलिड बहुत हार्ड। देखिए नेक्स्ट हम देखेंगे मेटालिक सॉलिड। सिर्फ आपको पता चल गया होगा कि इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मेटल्स होते हैं जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे आपका Fe हो गया, आपका Ag हो गया, Ag+, Fe2+, ठीक है। अब आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज एक जगह रहेगा तो रिपल्शन होगा, तो ये एक सॉलिड का स्ट्रक्चर कैसे बना रहे हैं। एक्चुअली में क्या होता है, जो आपका ये मेटल होता है ये एक पॉजिटिव चार्ज होते हैं सारे, जो कि सराउंड होते हैं सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो पॉजिटिव मेटल आयंस होते हैं उनको कवर करके रखते हैं या उन्हें सराउंड करके चारों तरफ से घेर के रखते हैं, जिसके वजह से ये आपस में स्टेबल हो पाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं और फ्रीली पूरी क्रिस्टल में स्प्रेड होते हैं, पूरी क्रिस्टल जो आपका क्रिस्टल है उसमें पूरी इलेक्ट्रॉन्स फैले होते हैं और ये इजीली मूव कर सकते हैं। आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन का समुंदर है, ठीक है, उनके बीच में आपके मेटल आयंस हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए, ये इलेक्ट्रॉन आए आपके मेटल की कंट्रीब्यूशन से। सपोज आपके पास Fe है, ठीक है, अब Fe तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, Fe का आयन एग्जिस्ट करता है, मतलब 2+ मतलब उसने अपने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं और वो लूज किए हुए इलेक्ट्रॉन इस C में जाते हैं। अब आपका Ag हो गया, सिल्वर है, सिल्वर Ag के फॉर्म में तो नहीं, Ag+ के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा मेटल सॉलिड में, तो वो Ag+ मतलब आपका एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है और वो इलेक्ट्रॉन ही आपकी इस सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में एक्यूमुलेट होता है। देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा या नहीं करेगा,
तो आपका ऑब्वियस आंसर क्या होगा? यस, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, क्योंकि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मोबाइल हैं, वो इजीली मूव कर रहे हैं पूरी क्रिस्टल में। अब इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर पा रहे हैं या आपके आयंस मूव कर पा रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी इजीली कंडक्ट होगी, जिसके वजह से इनकी हाई इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी होती है। सिंपल अगर आप इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। तो सिंपल जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्लो करना स्टार्ट होते हैं आपके पॉजिटिव आयन का जो नेटवर्क होता है उसके थ्रू, ठीक है। सिमिलरली अगर आप किसी एक पोर्शन पे हीट सप्लाई करें तो इलेक्ट्रॉन के थ्रू ही वो दूसरे पोर्शन तक मेटल आपका गर्म हो जाता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्लो कर रहे होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन के थ्रू फ्लो हो रहा होता है। देखिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है मेटल की, लस्टर एंड कलर इन सर्टेन केसेस में, और ये भी कहीं ना कहीं जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है आपके जो सॉलिड में, मेटेलिक सॉलिड में, उसके वजह से होता है। देखिए मेटल की दो और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मेलेबल एंड डक्टाइल। देखिए मेलेबल मतलब होता है कि आप किसी भी मेटल को या किसी भी सॉलिड को बहुत डिफरेंट शेप में चेंज कर सकते हैं। जैसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो गोल्ड का ऑर्नामेंट होता है, ठीक है, आपके पास सोने की इयररिंग्स हैं, अगर आपको उसे कन्वर्ट करना है किसी और ऑर्नामेंट में, सपोज आपको नोज रिंग बनानी, तो आप उसी चीज़ का शेप या उसे कन्वर्ट करके जो गोल्ड स्मिथ है उससे कुछ और शेप का या कोई और ऑर्नामेंट बना सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, आप उसका शेप वगैरह चेंज करके उसे कोई और शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डक्टाइल। देखिए आपको याद होगा आयनिक सॉलिड आपका बिटल होता है। बिटल मतलब आप अगर उस पर कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स, कुछ अमाउंट ऑफ प्रेशर या टेम्परेचर लगाएं तो वो अपने साइज से चेंज नहीं होगा, वो सीधे टूट जाएगा, ठीक है, कोई चेंज नहीं आएगा उसके शेप साइज में, वो डायरेक्टली टूट जाएगा। लेकिन जो डक्टाइल होता है, जो मेटेलिक सॉलिड होता है, अगर आप कुछ अमाउंट ऑफ प्रेशर दें उसमें या हीट दें तो वो इलोंगेट हो जाता है। सपोज आपको वायर बनाना है, ठीक है, किसी मेटल का, तो आप इजीली उसे मेल्ट करके या प्रेशर के थ्रू उससे वायर बना सकते हैं, ठीक है, उसे इलोंगेट कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल आपके पास एक आयनिक है सॉलिड है और आपके पास एक मेटेलिक सॉलिड है, आपने कुछ टेम्परेचर और कुछ प्रेशर दिया तो जो आपका मेटेलिक सॉलिड है वो इलोंगेट होने लग जाएगा, अपने साइज से लंबा हो रहा है। लेकिन वहीं पे सेम प्रेशर और टेम्परेचर अगर आप आयनिक सॉलिड को दे रहे हैं तो वो अपने शेप को चेंज नहीं करेगा, वो इलोंगेट लंबा नहीं होगा, वो एट अ टाइम टूट जाएगा। तो यही होता है कि आयनिक सॉलिड बिटर होता है और आपका मेटेलिक सॉलिड डक्टाइल होता है, मतलब आप उसे इलोंगेट कर सकते हैं या फिर वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इन शॉर्ट कहें तो हम। नेक्स्ट है हमारा कोवेलेंट, या फिर इसे हम नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं। देखिए जो बहुत ज़्यादा वैरायटी के क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, काफ़ी सॉलिड जो नॉन मेटल होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड के वजह से ही बनते हैं। जो भी दो एटम होते हैं आस पड़ोस में वो कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू आपस में जुड़े हुए होते हैं। आपको पता चल गया इसके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड लगता है, मतलब कोवेलेंट फोर्स लग रहा है। इन्हें हम जॉइंट मॉलिक्यूल भी कहते हैं, क्योंकि जो इनका नेटवर्क होता है, देखिए नेटवर्क से हम क्या चीज़ समझते हैं, अगर हम कहें कि किसी आदमी का नेटवर्क बहुत बड़ा है, मतलब उसका कनेक्शन काफ़ी लोगों से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसी तरह कोवेलेंट भी क्या होता है, जो मॉलिक्यूल का कनेक्शन है या एटम का कनेक्शन है वो नेटवर्क बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है, जिसकी वजह से हम उसे बहुत जॉइंट मॉलिक्यूल भी कहते हैं। देखिए जो कोवेलेंट बॉन्ड होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है और डायरेक्शनल इन नेचर होती है, जिसकी वजह से जो एटम है इस क्रिस्टल में वो बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे से बाइंड होते हैं अपनी पोजीशन में। इसलिए देखिए अब जो बॉन्ड है दोनों के बीच में बहुत स्ट्रांग है कोवेलेंट बॉन्ड, जिसके वजह से ये बहुत हार्ड होते हैं और बिटल होते हैं। बिटल मतलब अगेन अगर आप कुछ अमाउंट ऑफ प्रेशर या टेम्परेचर दे रहे हैं तो ये जो सॉलिड है वो सीधे टूट जाएंगे, ये इलोंगेट नहीं होंगे। जैसे प्लास्टिक होता है, आप कुछ प्रेशर या कुछ हीट दें उसे तो फैलने लगता है अपने साइज से, बट ये सीधे टूट जाएंगे, ये अपने साइज को कन्वर्ट नहीं करेंगे। इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होती है, मे बी ये ऐसा हो सकता है इतनी इनकी हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है कि इनकी मेल्टिंग पॉइंट आने तक ये डिकम्पोज हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ये एक इंसुलेटर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, ठीक है। अब इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है आपका डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड, और नेक्स्ट है इसका ग्रेफाइट। देखिए ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है और ये कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ये एक एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। ये एक्सेप्शनल केस इसलिए है कि देखिए डायमंड भी आपका कार्बन के नेटवर्क से बना हुआ है, कार्बन 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 अटैच होके, और जो आपका ग्रेफाइट है वो भी कार्बन 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 के नेटवर्क से बना हुआ है।
जबकि जो डायमंड होता है, डायमंड में क्या होता है, आपके चारों जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के, अपने नेबरिंग कार्बन एटम से बॉन्ड बना लेते हैं, जिसके वजह से एक भी फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होता और वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं होता। बट ग्रेफाइट में क्या होता है कि जो कार्बन होता है, जैसे आपकी एक लेयर है उसमें एक कार्बन एटम है, तो वो तीन कार्बन एटम से अटैच होगा और जिसका फोर्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो खाली रहेगा। और हर एक कार्बन का यही केस होता है कि एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन खाली होता है और वो इलेक्ट्रॉन फ्री होता है उस लेयर में मूव करने के लिए। ठीक है, जो दोनों जो लेयर्स होती हैं उनके बीच में ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये फ्री होते हैं मूव करने के लिए, जिसके वजह से ये इजिली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं। अब ये सॉफ्ट इसलिए, देखिए अब आपने देखा ये अलग अलग लेयर्स के फॉर्म में होते हैं, ठीक है, तो अब क्या जो डिफरेंट लेयर्स होती है वो एक दूसरे के बीच में स्लाइड करती हैं, स्लाइड कर सकती हैं, जिसके वजह से जो ग्रेफाइट होता है वो सॉफ्ट होता है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट यहीं तक था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। अगर आपको हमें सपोर्ट करना है तो आप ब्रेव ब्राउज़र डाउनलोड कर सकते हैं, ये बिल्कुल क्रोम की तरह है, आप इसे जितना यूज़ करेंगे आपको बैट मिलेंगे, ऐसे सपोर्ट आप उस बैट को हमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और अगर आपको उसके बारे में ज़्यादा जानना है तो आप नीचे लिंक देख सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।